अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज खबरनामे के साथ मैं हूँ रिजवान अली अहमद। मैं हूँ नाजिया खान। खेलों की खबरों में मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइन से। पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का अज़्म। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से ईरान के वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात हैं, मुश्तरक चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी तआवुन की जरूरत है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ईरान के वजीर खारिजा अमीर अब्दुल्लाहियान की मुलाकात। दहशतगर्दी जैसे मुश्तरका खतरे से निपटने के लिए मरबूत काविशों, बेहतर रवाबित और खुफिया इतलात के तबादले की जरूरत है। किसी भी शरपसर को ब्रदर मुल्कों के ताल्लुकात को खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फिरकैन का अमनो इस्तेहकाम और खुशहाली के हसूल के आजम का भी इआदा। पाकिस्तान और ईरान का सलामती इलाका इस्तेहकाम, तिजारत और मईशत के शोबों में तआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बाहमी तआवुन से दहशतगर्दों की अजायम नाकाम बनाएंगे। ईरान पाकिस्तान को अपना बरादर, हमसाया और दोस्त मुल्क समझता है। एक दूसरे की इलाकाई सालबियत का मुकम्मल एहतराम करते हैं। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास ईरानी और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुर्रहमान की इस्लामाबाद में मुश्तरक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी और ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। फिरकैन का खुशहाली और तरक्की के मुश्तरका एजेंडे पर पेशरफ्त की निगरानी के लिए वज़ीर ख़ारिजा की सतह पर मुश्तरका कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म कायम करने का फैसला। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के लिए तुर्बत और ज़ाहिदान में फौरी तौर पर राबता अफसरान की तैनाती पर इत्तेफाक। मुल्क भर में आम इंतखाबात की अहम गहमी, सियासी जमातों के जलसे, रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स, बैलेट पेपर्स की छपाई और तफसील शुरू। वोटर्स अपने वोट की मालूमात शनाख्ती कार्ड नंबर 83000 पर भेज कर हासिल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन। हमें तरक्की और खुशहाली का दौर वापस लाना है। वतन अजीज मजीद तनाजुली का मुतहमल नहीं हो सकता। मुल्क के लिए वो सब करना है जिसकी हम वतन तवक्को करते हैं। वादा रहा, मुल्क की तरक्की और अवाम की फलाह यकीनी बनाऊंगा। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ का लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब। मुल्क को मिसाइल से एक दर्दमंद लीडर ही निकाल सकता है। नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए बेलौस काम किया। दानिश स्कूल, मोटरवे, किसानों और नौजवानों के लिए पैकेज जैसे तरक्याती मंसूबे हमारी कारकर्दगी का सबूत हैं। 8 फरवरी के बाद आपके तआवुन से तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद शहबाज शरीफ का राजनपुर में अवामी इज्तिमा से खिताब। हमारा असल मुकाबला गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई से है। माशी मसाइल का फौरी हल तलाश करना वक्त की जरूरत है। अशराफिया को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करके आवाम को रिलीफ दिया जाना चाहिए। 18वीं तरमीम के बाद तवज्जो तलब शोबों को पसे पुश डाल दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्लामाबाद में तलबा से मुकालिमा। मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकालने के लिए भरपूर इकदामात करेंगे। नौजवानों को रोजगार की फराहमी, महंगाई का खात्मा तरजीह है। पाकिस्तान को हकीकी फलाही रियासत बनाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सरगोधा में खिदा। अडियाला जेल में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत। अदालत कल साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का 342 का बयान रिकॉर्ड करेगी। 5 से 6 मरतबा गवाह अदालत आ चुके हैं मगर वकला सफाई जरा नहीं कर रहे। केस को इल्तवा में डालने के लिए बार बार वकील तब्दील किए जा रहे हैं। वकील नैब अमजद परवेज।
रियासती इदारों के खिलाफ मखसूस सियासी जमात का मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा बेनकाब। मखसूस सियासी जमात के हैंडलर्स ने गुलाम शबीर नामी शख्स की वीडियो वायरल की। चंद पैसों के एवज मजबूर गुलाम शबीर से मखसूस सियासी जमात के कारिंदों ने रियासती इदारों के खिलाफ वीडियो बनवाई और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। गुलाम शबीर का एतराफी बयान भी मंजर आम पर आ गया। मसाजिद मौशरे को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने में मदद कर सकती हैं। स्कूल न जाने वाले बच्चों की तालीम में मसाजिद अहम किरदार अदा कर सकती हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का मसाजिद मदारिस के किरदार से मुतालिक इजलास से खिताब। इसराइली फोर्सेज के खान यूनस और मकबूजा मगरबी किनारे पर हमले, मजीद 215 फलस्तीनी शहीद, मजमू तादाद 26,637 हो गई, 65,387 शहरी जख्मी। गजा की अब तर सूरत हाल, सेक्रेटरी जनरल अक़वामे मुत्तहिदा की हुकूमतों से रोकी जाने वाली इमदाद के इजरा की अपील। मरकजी बैंक का पॉलिसी रेट 22% बरकरार रखने का फैसला। जुलाई में ज़र मुबादला के ज़खायर 4 अरब डॉलर्स थे जो बढ़कर 8 अरब 30 करोड़ डॉलर्स हो गए हैं। सरमायाकारों के एतमाद की झलक मौशी सरगर्मियों में मिलती है। सनतों की पैदावारी गुंजाइश ब्रुवेकार लाने में भी बेहतरी आई है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सैलाब से मुतासर इलाकों की बहाली, यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान को 10 करोड़ यूरो की मजीद इमदाद फराहम करेगा। इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन की सफीर रीना क्वेंका और वजारत इक्तिसादी उमूर के सेक्रेटरी डॉक्टर कासिम नियाज के 5 माहों पर दस्तखत। हालिया इमदाद के बाद सैलाब मुतासरीन के लिए मजबूरी तौर पर 93 करोड़ यूरो से ज्यादा का सपोर्ट पैकेज वसूल होगा। कालादम टीटीपी के दहशतगर्दों के खानदान कस्मा पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। कम सिन बच्चे और खवातीन सख्त मुशक्कत करके बमुश्किल घर का खर्चा चला पाते हैं। हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बच्चे यतीमों की तरह जी रहे हैं, हमारे पास इलाज के पैसे तक नहीं हैं। दहशतगर्दों ने हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी। मुतासरा खानदान शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। वतन के लिए जान का नजराना देने वाले शोहदा में सिपाही मोहम्मद अहद जफर भी शामिल। 12 दिसंबर 2023 को डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। हमें मोहम्मद अहद जफर की शहादत पर फख्र है। अहले खाना मकबूजा कश्मीर में फैशिस्ट मोदी हुकूमत के ओछे हथकंडे, काले कानून के तहत गिरफ्तारियां और जायदाद की जब्तगी, निहत्ते कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन। आर्मी बिरादरी कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम का नोटिस ले। गलत और गुमराह कुन मालूमात की तशहीर में भारत दुनिया भर में सरे फहरिस्त। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट मंजरे आम पर आ गई। मोदी हुकूमत समेत दीगर जमातें सियासी फायदे और इंतखाबात में कामयाबी के लिए बड़े पैमाने पर मिस और डिस इन्फॉर्मेशन का गैर मामूली इस्तेमाल कर रही हैं। झूठे बयानिए का वसी पैमाने पर इस्तेमाल भारत में शहरी बदमनी, एहतजाज और नफरत अंगेज जराइम का बायस बनेगा। रिपोर्ट। बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। स्वात, कालाम, मालम जब्बा में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खिता पोटोहार, कश्मीर और मोहिका पहाड़ी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। और सिंध प्रीमियर लीग, मीरपुर खास टाइगर्स की सखर पेट्रियार्ट्स के खिलाफ 74 रन से कामयाबी। 209 रन के ताकुब में सखर पेट्रियार्ट्स की टीम 20 ओवर्स में 7 विकेट्स पर 134 रन बना सकी। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया गया। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा।
ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सल का नया अलग अंदाज, ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। सॉफ्ट सॉफ्ट सर्फ एक्सल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। बाकायदा आगाज निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकर से। ईरान के वज़ीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहयान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दरीना करीबी ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी तआवुन की ज़रूरत है। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहयान ने मुलाकात की। आईएसबीआर के मुताबिक जीएचयू रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान और ईरान के तारीखी, मज़हबी और सकाफ़ती ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। इस मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात को बेहतर अंदाज में समझने पर भी गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने मौजूद मेहमान से बातचीत करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों की खुद मुख्तारी, जुग्राफियाई सरहदों का एहतराम बैन-उर-रियासती ताल्लुकात के लिए इंतहाई कलीदी अहमियत रखता है। फिरकैन ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि दहशतगर्दी एक मुश्तरका खतरा है और इस खतरे से निपटने के लिए मरबूत काविशें, बेहतर रवाबित और खुफिया इत्तलात के तबादले की ज़रूरत है। मुलाकात में फिरकैन ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि दहशतगर्दी समेत मुश्तरका खतरात के खिलाफ मौसर रद्दअमल के लिए जल्द अज जल्द रवाबित को बेहतर बनाया जाएगा। फिरकैन ने फौजी राबतेकार अफसरों की तैनाती के निज़ाम को फाल बनाने पर भी इत्तेफाक किया। मुलाकात में करीबी रवाबित के फरोग के आज़म का यादा करते हुए इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि किसी भी शरपसंद को दोनों ब्रदर मुल्कों के ताल्लुकात को ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान और ईरान ब्रदर हमसाया ममालिक हैं और दोनों मुल्कों की मंजिल एक दूसरे से मुंसलिक है। मुलाकात में फिरकैन ने सरहदी इलाके में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के हवाले से आज़म का भी अयादा किया। पाकिस्तान और ईरान की माबैन वजारत खारजा में वफूद की सतह पर मुजाकरात हुए। फिरकैन ने दोतरफा ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए मुकालमे और तआवुन की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर खारजा ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि दहशतगर्दी मुश्तरका चैलेंज है जिसके खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों की जरूरत है। तफसील बताएंगे ज़ीशान अली भट्टी। ईरान के वज़ीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहयान ने वजारत खारजा का दौरा किया। वज़ीर खारजा जलील अब्बास जलानी और ईरानी वज़ीर खारजा की सरबराही में पाकिस्तान और ईरान के माबैन वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। फिरकैन ने बाहमी एहतराम और मुश्तरका चैलेंजों से निमटने के लिए अमन और खुशहाली के मतलूबा अहदाफ के फरोग के लिए काम करने पर इत्तेफाक किया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जलानी ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान सियासी और सिक्योरिटी मसाइल हल करने में संजीदा हैं। मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम अवलीन तरजीह है। We have agreed to establish a high level consultative mechanism at the level of the foreign ministers of the two countries. We need to address and allay each other's concerns with regard to terrorism, and in this connection we have agreed to station the liaison officers on which an agreement was already in place at the earliest date in our two countries. These liaison officers will be deployed in Turbat and Zahedan. We have also agreed to prioritize economic uplift and development of our border areas. ईरानी वज़ीर खारजा का कहना था कि दहशतगर्दों को मुश्तरका सलामती को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान तामीरी और मजबूत ताल्लुकात हैं। एमरोज मादिया हियर सो दैट इन अ वेरी लाउड वॉइस वी विल टेल टू ऑल टेररिस्ट दैट वी विल नॉट ईरान एंड पाकिस्तान विल नॉट प्रोवाइड देम विद एनी अपॉर्चुनिटी वी विल नॉट प्रोवाइड एनी अपॉर्चुनिटी विद द टेररिस्ट टू एंडेंजर आवर कॉमन सिक्योरिटी। Both sides, I mean Iran and Pakistan, strongly respect the sovereignty and territorial integrity of each other. इससे कबल वज़ीर खारजा जलील अब्बास जलानी और ईरानी वज़ीर खारजा ने वज़ारत खारजा में वन ऑन वन मुलाकात की और दो तरफा तआवुन पर तबादला ख्याल किया। ज़ीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
आम इंतखाबात के इनेकाद की तैयारियां तेजी से तकमील के मराहिल की जानिब गामजन हैं। बैलेट पेपर्स की छपाई का काम तसल्लीबख्श तरीके से जारी है और तरसील का काम चारों सूबों में शुरू हो चुका है। ये तरसील सड़क और हवाई दोनों जरियों से की जा रही है। आवाम को अपने पोलिंग स्टेशन की मालूमात हासिल करने की सहूलत भी फराहम कर दी गई है। वोटर्स को अपने वोट की मालूमात हासिल करने के लिए अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर भेजना होगा। तमाम वोटर से दरख्वास्त है कि वो अपने और अपने घर वालों के वोट की तफसीलात बर वक्त हासिल कर लें ताकि पोलिंग स्टेशन में उन्हें किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने 9,76,000 पोलिंग अमले में से 9,70,000 पोलिंग अमले की तरबियत मुकम्मल कर ली है। बकिया 6,000 पोलिंग अमले की तरबियत अगले 4 दिन में मुकम्मल हो जाएगी। कराची में दो सियासी पार्टीज के दरमियान झंडा लगाने पर तसादुम और जिला स्वाबी में पोस्टल बैलेट छपने के जाने के वाकयात का सख्त नोटिस लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने मुतल्लिका चीफ सेक्रेटरी और आईजी साहिबान से रिपोर्ट्स तलब की हैं ताकि इन वाकयात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ इलेक्शन कवानीन के तहत भी कार्रवाई की जा सके। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने राजनपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि मुल्की मसाइल का हल सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। तफसील बता रहे हैं अनीस अवान। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि वतन अजीज मजीद तनजली का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, हमें पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली को वापस आना होगा। लाहौर में इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर खिताब कर रहे थे, जिसकी तफसील बताएंगे ताहिर जाफरी। लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का NA 130 में इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर पार्टी वर्कर्स से खिताब के दौरान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि हमारे दौर में मुल्क तरक्की की सिमत पर गामजन था और हर शहरी को बुनियादी सहूलियात में असर थी। उन्होंने कहा कि अगर हमारी हुकूमत पर शब खून न मारा जाता तो आज मुल्क का ये हाल ना होता। नवाज शरीफ था तो सुकून था, पेट्रोल सस्ता था, आटा सस्ता था, घी सस्ता था, चावल सस्ते थे, रोटी सस्ती थी, 4 रुपए की थी, आज 20 रुपए की, और नान 25-30 रुपए का। भाई वो जमाना कहाँ चला गया? कौन ले गया उस जमाने को, कहाँ ले गया? मुस्लिम लीग नून के कायद ने कहा कि नौजवान हमारा असासा है, उनकी इस्तेदादे कार में इजाफा और आगे बढ़ने के मौके फराहम करने के लिए इंकलाबी इकदामात करेंगे। आपके घरों को दोबारा बसाना है, इन नौजवानों को रोजगार देना है, वो अल्लाह की जात देगी, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। इनके घरों को संवारना है, इनके मुस्तकबिल को संवारना है, अपने मुल्क को ऊपर उठाना है, सबस झंडे की इज्जत करवाना है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने कहा कि इंतखाबात में मुल्क और कौम के मुस्तकबिल का फैसला होना है, अवाम का एक एक वोट मुल्क और कौम की तकदीर बदलने के लिए कीमती है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को अवाम की मुश्किलात का एहसास है और उन्होंने मुल्क और कौम की खातिर कुर्बानियां दी। ये जो शख्स आपके सामने खड़ा है, इसके दुखों की कुर्बानियों की दास्तानें लिखना शुरू कर दे तो स्याही सूख जाएगी, लेकिन वो दुख उसने क्यों उठाए? वो दुख उसने आप लोगों के लिए उठाए, वरना जो जुल्म और ज्यादती और जबर हम सब के साथ हुए, लोग दिल छोड़ जाते हैं। वो आज भी अगर आपके सामने खड़े और इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस मुल्क को बुरान से निकालना चाहते हैं तो वो आपकी वजह से है। हम 9 मई वाले लोग नहीं है, हम 28 मई वाले लोग हैं। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार पंजाब असेंबली मियां मरगूब अहमद ने भी खिताब किया और कहा कि मुल्की तरक्की के लिए अवाम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को वोट दें। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। और मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने राजनपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि मुल्की मसाइल का हल सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। तफसील क्या है, बता रहे हैं अनीसा वान। जलसे से खिताब करते हुए मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़श्ता 2 अदवार में जनूबी पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती मनसूबे मुकम्मल किए। मोहम्मद नवाज शरीफ की हदायत पर हमेशा जनूबी पंजाब में तरक्याती मनसूबों को फोकियत दी। राजनपुर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, जिसको 15-16 में एक जदीद अस्पताल बनाया, 20 दान स्कूल बनाए बच्चों और बच्चियों के लिए, 16 जनूबी पंजाब में, राजनपुर में भी बनाया तैयब अर्दवान अस्पताल, मुजफ्फरगढ़, पूरे पाकिस्तान में इसका कोई मुकाबला नहीं, इतना शानदार अस्पताल है। शहबाज शरीफ ने कहा कि 2010 के सैलाब में जनूबी पंजाब के मुसीबत ज्यादा अवाम को तनहा नहीं छोड़ा, बल्कि इंतजामिया के साथ दिन रात यहाँ मौजूद रहकर रिलीफ इकदाम की निगरानी की। 8 फरवरी को जब आप नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे तो 9 मई का अंधेरा
9 फरवरी को छठ जाएगा, हर तरफ रोशनी होगी। शहबाज शरीफ ने राजनपुर की आवाम से कहा कि वो 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून को वोट दें ताकि पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में तरक्की के नए दौर का आगाज किया जा सके। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आवाम को रिलीफ की फ्राहमी तरजीह है। इस्लामाबाद में तालिब इल्मों से मुकालमे में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पंजाब में डट कर मुकाबला करेगी। तफसील बता रही है नमरा सुहेल अपनी इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुल्क के माशी मसाइल को हल करना वक्त की जरूरत है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नौजवानों को रोजगार की फराहमी हमारी तरजीह है। कि इसलिए कि हम वो पैसा पाकिस्तान के अवाम पे खर्च कर रहे हैं, डायरेक्टली उनको अगर मैं इधर से ले रहा हूँ तो डायरेक्टली अपने नौजवानों को, अपने किसानों को, अपने मजदूरों को वही फायदा पहुँचा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला जब ये मुश्किल फैसले लिए जाते हैं और रिएक्शन होता है तो उम्मीद इतना कि पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के बाइस खित्ते को खतरात का सामना है। कि हम पाकिस्तान की पूरा जो डेवलपमेंट मॉडल है उसको रिविजिट करें और हम अपने मौसमी तब्दीली का खतरा को सामने रखते हुए अपना तमाम जो हम डिवेलपमेंट के काम करते हैं वो इसी लिहाज से देखे कि हमें एक क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान बनाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने रावलपिंडी में मीडिया से भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। जो पाकिस्तान में एक नया सोच ले आने में यकीन रखते हैं और वो पुराने नफरत और तकसीम और तशद्दुद को, सियासत को दफन करना चाहते हैं तो वो उतना ही बेहतर होगा, उतना ही ज्यादा चांसेस है कि हम कामयाब होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी की कयादत 3 नस्लों से सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी नारेबाजी पर नहीं बल्कि अमल की सियासत पर यकीन रखती है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक कहते हैं कि आवाम ने मौका दिया तो मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकालने के लिए भरपूर इकदामात करेंगे। सरगोधा में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम बारियां लगाकर इक्तदार में आने वालों से बेजार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज नौजवानों को रोजगार की जरूरत है, जमात इस्लामी के पास इन तमाम मसाइल का हल मौजूद है। सिराज उल हक ने कहा कि मुल्क को हकीकी फलाही रियासत बनाएंगे। आम इंतखाबात करीब आते ही सिंध में सियासी गहमा गहमी में तेजी आ गई है और मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे जलसों रैलियों से खिताब कर रहे हैं। तफसील बता रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी। एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान की भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी है और हम बरसर इकतदार आकर ताजर बरादरी को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि कराची मुल्क का माशी हब है और कराची तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। तकरीब से खिताब करते हुए एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि एमक्यूएम इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। कराची में मीडिया से बात करते हुए एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में भी NA 249 से एमक्यूएम पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी और इंतखाबात 2024 में भी कामयाबी हासिल करेगी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा कि पीपल्स पार्टी सिंध में भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रही है और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने आवाम की फलाह के नुकात पेश किए हैं, वो काबिले तारीफ हैं। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि जिस तरह बल्दियाती इंतखाबात में कराची के अवाम ने हमें वोट दिया था, इसी तरह जनरल इलेक्शन में भी शहर के अवाम हमें वोट देंगे और हम जीत कर इस शहर की खिदमत करेंगे। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करके शहर की सनअती पैदावार को बढ़ाना, K4 के मंसूबे, मोटरवे मंसूबा और ग्रीन बस सर्विस को दोबारा बहाल कराना है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में PMLN के खेल दास कोहिस्तानी ने कहा कि कराची के अवाम पुरमन माहौल और तरक्याती काम चाहते हैं और मोहम्मद नवाज शरीफ ने तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स और तरक्याती काम अपने दौरे हुकूमत में करवाए। पनू आखिर में जलसे से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद अहमद शाह ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मंशूर पर अमल पैरा है और हमने रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात में कामयाब होकर बनु आखिल के अवाम के मसाइल को फौरी हल करेगी। जामशोरों में जलसे से खिताब करते हुए साबिक वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी एक नई सोच के साथ मैदान में आए हैं। उन्होंने कहा कि हम मेरिट पर लोगों को रोजगार देंगे। हसन नासर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची।
तोशाखाना रेफरेंस केस हतमी मराहिल में दाखिल हो गया है। अदालत ने अडियाला जेल में समाअत के दौरान साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला का जिरह का हक खत्म कर दिया है। अदालत कल साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का 342 का बयान रिकॉर्ड करेगी। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस में आज एक मरतबा फिर वकील तब्दील करने की दरख्वास्त दी। वकील चौधरी जहीर अब्बास ने मानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तरफ से वकालतनामा जमा करवाया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से वकील तब्दीली की शदीद मुखालफत की गई। नए प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज ने कहा कि तोशाखाना केस में 10वां वकील तब्दील किया जा रहा है। केस को इल्तवा में डालने के लिए बार बार वकील तब्दील किए जा रहे हैं। वकला सफाई मुसलसल ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 से 6 मरतबा गवाह अदालत आ चुके हैं मगर वकला सफाई जिरा नहीं कर रहे। तोशाखाना केस में वकला सफाई की जानिब से सिर्फ 5 गवाहों पर जिरा की गई। प्रोसिक्यूशन ने तोशाखाना केस में 16 गवाहों के बयान कलम बंद करवा दिए हैं। रियासती इदारों के खिलाफ मखसूस सियासी जमात का मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा एक बार फिर बुरी तरह बेनकाब हो गया है। मखसूस सियासी जमात ने गुलाम शबीर नामी शख्स की वीडियो वायरल की जो रियासती इदारों के खिलाफ गलीज जबान इस्तेमाल कर रहा है। गुलाम शबीर का ताल्लुक डेरा गाजी खान से है जिसने चंद पैसों के एवज मजबूरी का फायदा उठाते हुए रियासती इदारों के खिलाफ वीडियो बनवाई गई। गुलाम शबीर ने अपने एतराफी बयान में कहा है कि उसने पीटीआई से पैसों की लालच में आकर ये बयान दिया। गुलाम शबीर ने एतराफी बयान के साथ साथ रियासत इदारों के खिलाफ नारेबाजी पर माफी भी मांगी। गुलाम शबीर की वीडियो मखसूस सियासी जमात के हैंडलर वकार खान ने शेयर की है जो कि अमरीका में रिहाइश पजीर हैं और मैरीलैंड में पीटीआई के सदर हैं। ये शख्स बैरूने मुल्क से मुसलसल पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। इस गलीज प्रोपेगेंडे में पार्टी लीडरशिप की शमूलियत शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मुल्क की सियासत में अहम हैसियत रखते हैं। साबिक सदर का सियासी सफर किस तरह के उतार चढ़ाव का हामिल रहा, रिपोर्ट कर रहे हैं वकार हैदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अपनी मफाहमती सियासत की वजह से जाने जाते हैं। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो शहीद से उनकी शादी 1987 में हुई थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 1988 और 1993 में मुल्क की वजीर आजम मुंतखब हुई लेकिन दोनों बार अपनी मुद्दत पूरी न कर सकी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सियासी जिंदगी भी कैदो बंद की दास्तान से रकम है और वो तकरीबन 11 साल पाबंद सलासिल रहे। 2008 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत से मुल्क सियासत में जब भूचाल आया तो आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर बर्दाश्त और मफाहमत का रास्ता इख्तियार किया। 2008 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने इक्तदार संभाला और आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के सदारत के मनसब पर फायज हुए। अगर हम उनकी इंतखाबी सियासत की बात करें तो आसिफ अली जरदारी ने 1990 के इलेक्शन में कराची के हल्का एनए 189 से इलेक्शन लड़ा और मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। ये दूसरी बार 1993 के इलेक्शन में नवाब शाह के हल्का एनए 160 से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। 2018 के इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी ने शहीद बेनजीराबाद के हल्का एनए 213 से कामयाबी समेटी। अब 8 फरवरी के इंतखाबात में वो एनए 207 शहीद बेनजीराबाद के हल्के से एक बार फिर इंतखाबी मैदान में हैं। देखते हैं कि क्या इस बार भी वो हमें कौमी असेंबली में अपना मफाहमती किरदार अदा करते नजर आएंगे या नहीं। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ कहते हैं कि मौआशी चैलेंजेस के बावजूद अवामी फलाह के मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने से मुल्की तरक्की का हसूल मुमकिन है। मुआसदाती बुनियादी ढांचे, पन बिजली और आबी ज़खायर की तरक्की, ज़राअत, सनद, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ अफरादी कुव्वत बिलखसूस नौजवानों की तरक्की को तरक्याती बजट में खसूसी अहमियत दी जाए। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि टैक्स का पैसा अवाम का है और तरक्याती मनसूबों का महवर अवामी फलाह बहबूद होनी चाहिए। उन्होंने हिदायत की कि कौमी नौईयत के बड़े तरक्याती मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज करके उनकी मुअय्यना मुद्दत में तकमील को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी इक़्तिसादी काउंसिल मुल्क में माशी फैसला साजी का बड़ा आईनी इदारा है। वफाकी हुकूमत तरक्याती मंसूबों के हवाले से फैसला साजी में मंसूबों की मुशावरत को कलीदी अहमियत देती है। इजलास में 6 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। कौमी तरक्याती बजट माली साल 2024-25 के लिए तरजीहात और रहनुमा उसूल मंजूरी के लिए पेश किए गए। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने हिदायत की कि सिर्फ ऐसे नए मंसूबे तरक्याती बजट का हिस्सा हों जो ठोस तरक्याती नताइज पर मबनी हो। कौमी सलामती काउंसिल ने हिदायत की कि आइंदा माली साल के तरक्याती बजट में सूबाई नौईयत के मंसूबों की शमूलियत के बजाय सिर्फ नए इंजमाम शुदा अजला और 20 पसमानदा अजला के तरक्याती मंसूबे वफाकी तरक्याती बजट का हिस्सा होंगे और अहदाफ को तरजीही बुनियादों पर पूरा किया जाएगा। इजलास ने खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी देते हुए हिदायत की कि वज़ीर आज़म के प्रोग्राम बराए तरक्की नौजवानान बिलखसूस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूथ एंडोवमेंट स्कॉलरशिप फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स को कौमी तरक्याती बजट में भरपूर तरीके से जारी रखा जाए और उसके लिए फंडिंग को यकीनी बनाया जाए।
اجلاس میں کاؤنسل کو 13ویں 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کی ترجیحات کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ترقیاتی پلان کے تحت ملک بھر میں مختلف علاقوں میں ترقی، ماحول اور موسمیاتی تبدیلی، سیاحت، زراعت، صنعت، توانائی، گورننس، بیرونی سرمایہ کاری، چھوٹے اور درمیانی سطح کے کاروبار کی سہولت، گورننس کے طریقہ کار کی بہتری اور سرکاری امور کی انجام دہی پر بھرپور توجہ دی جائے گی۔ اجلاس کو موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات سے بچاؤ اور قدرتی آفات سے نبرد آزما ہونے کے لیے حکمت عملی کو جدید اور بین الاقوامی خطوط پر استوار کرنے کے لیے اقدامات سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ قومی اقتصادی کونسل نے رواں مالی سال میں ترقیاتی اشاروں کا بھی جائزہ لیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ نگراں حکومت کے معاشی بحالی کے ٹھوس اقدامات کی بدولت ملکی معیشت میں بہتری آ رہی ہے اور تجارتی خسارے میں کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ غیر ملکی کرنسی کے غیر قانونی کاروبار اور انسداد اسمگلنگ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کی بدولت روپے کی قدر مستحکم ہوئی ہے اور سمندر پار پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات زر میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ کونسل نے معاشی اہداف کے حصول کے لیے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ان اقدامات کو مزید تیز تر کرنے کی ہدایت کی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی صدارت میں مشترکہ مفادات کونسل کا 51واں اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے پیٹرولیم پالیسی 2012 میں ترامیم کی منظوری کے لیے پیش کی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اس وقت ملک میں استعمال ہونے والا 85% خام تیل اور 25% گیس درآمد کی جاتی ہے، جس پر قیمتی زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے جو قومی خزانے پر بھاری بوجھ ہے۔ موجودہ ملکی تیل کے ذخائر میں تیزی سے کمی آ رہی ہے۔ مشترکہ مفادات کونسل نے پیٹرولیم ڈویژن کی سفارش پر گیس کے نئے ذخائر دریافت کرنے کی منظوری دی۔ اس فیصلے سے گیس کے نئے ذخائر کی تلاش کے لیے کمپنیوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ پیٹرولیم ڈویژن کی سفارش پر پیٹرولیم زون میں تیل اور گیس کی تلاش کرنے والی کمپنیوں کے لیے بہتر ویل ہیڈ قیمتوں کی منظوری بھی دی گئی۔ تیل اور گیس کی لیز کی مدت پوری ہونے تک قابل عمل رکھنے کی، جبکہ ساتھ ہی ٹائٹ گیس ایکسپلوریشن اینڈ پروڈکشن پالیسی 2024 کے مسودے کی بھی منظوری دی۔ مشترکہ مفادات کونسل نے قدرتی گیس کے تھرڈ پارٹی کو کمرشل بنیادوں پر فروخت کی شرح کو 10% سے بڑھا کر 35% کرنے کی منظوری دی، جس سے گیس کا گردشی قرضہ کم کرنے میں مدد ملے گی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ اسکول سے باہر بچوں کی تعلیم اور بیماریوں سے بچاؤ سے متعلق آگاہی میں مساجد کا کردار اہم ہے۔ کراچی میں مساجد اور مدارس کے کردار سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ مساجد کو مسلم معاشرے میں مرکزی مقام حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ناکافی تعلیمی انفراسٹرکچر کی وجہ سے اسکول نہ جانے والے 2.6 کروڑ بچوں کو تعلیم دینا ایک بڑا چیلنج ہے۔ ملک بھر میں موجود تقریباً 2.5 لاکھ مساجد کو بچوں کی تعلیم کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں کہ ملک کی ترقی کے لیے معذور افراد کی معاشی سرگرمیوں میں شمولیت ناگزیر ہے۔ کراچی میں امپلائرز فیڈریشن آف پاکستان کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کو خصوصی افراد کے لیے نوکریاں پیدا کرنے کے لیے تعاون کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ برسوں میں برسر روزگار خواتین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اس کی وجہ کام کی جگہ پر بہتر ماحول ہے۔ انہوں نے ہنرمند افرادی قوت کی پاکستان اور بیرون ملک قبولیت کے لیے نیشنل اسکلس پاسپورٹ پروگرام کو بھی سراہا۔ آپ سے ملاقات اس بریک کے بعد۔ ایک سخت تو دوسرا ہے نرم مزاج، پر امی کو ناز، یہ زیدی داغ نکالتے نکالتے کپڑے تو خردرے ہو جائیں گے۔ بالکل نہیں، سرف ایکسل کا نیا الگ انداز، یہ زیدی داغ نکالے پر ان کے سافٹ پرلز رکھے کپڑے نرم ملائم۔ سافٹ سافٹ سرف ایکسل، داغوں پر سخت، کپڑوں پر نرم۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ نواز شریف اقتدار میں آ کر ملک کو مہنگائی کے طوفان سے نکالیں گے۔ لاہور کے حلقہ N118 میں انتخابی ریلی کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ 8 فروری کے انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے بحرانوں پر قابو پائیں گے اور نوجوانوں کو روزگار فراہم کریں گے۔ حمزہ شہباز نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ خدمت کی سیاست کی ہے اور آئندہ بھی اسے جاری رکھا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ انتخابی مہم کے دوران لوگوں کا عمل نہایت شاندار ہے۔ 8 فروری مسلم لیگ نون کی فتح کا دن ہوگا۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو کے نادان مشیر انہیں مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ آزاد امیدوار بڑی تعداد میں آئیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ایاز صادق نے کہا کہ لوگ عالم گلوچ کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بالکل نیا حلقہ ملا ہے۔
मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर इंजीनियर अमीर मुकाम कहते हैं कि नवाज शरीफ एक बार फिर बरसर इक्तदार आकर मुल्क में तरक्की का रुका हुआ सफर दोबारा से शुरू करेंगे। मट्टा सवात में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में अमीर मुकाम ने कहा कि कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज 1 फरवरी को बेंगोरा का दौरा करेंगे और तारीखी जलसायाम से खिताब करेंगे। उन्होंने कहा कि अवाम मुस्लिम लीग नून और इसकी क्यादत पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, अवामी ताकत से इकतदार में आकर खित्ते की तकदीर बदल देंगे और तरक्याती कामों का जाल बिछा कर खित्ते की महरूमों का अजाला करेंगे। नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुलमालिक बलोच और जनरल सेक्रेटरी जान बुलेदी ने जिला केच तुरबत में अवाम से कहा है कि उनकी पार्टी की हिमायत करें। यहाँ आपको बता चलें कि नेशनल पार्टी के मरकजी सीनियर नायब सदर अमीर हैदर होती ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता हुकूमत की नाकस कारकर्दगी की वजह से मुलाज़मीन की तनख्वाहों के लिए भी सूबाई हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं। सवाबी में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे दौरे हुकूमत में कोई करप्शन नहीं हुई, इसलिए सूबे में तरक्की का दौर था। उन्होंने कहा कि हम इक्तदार में आकर बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। नौजवानों की तालीम और रोजगार के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच और जनरल सेक्रेटरी जान वलीदी ने जिला केश तुरबत के आवाम से कहा है कि वो उनकी पार्टी की हिमायत करें। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा कि बलोचिस्तान के आवाम 8 फरवरी को अपने राय और वोट का हक दुरुस्त इस्तेमाल करके अपने मुस्तकबिल के लिए नई राहों का तय करें। उन्होंने कहा कि आवाम वोट की ताकत से एक पुरान खुशहाल तरक्की याफ्ता बलोचिस्तान की जानिब अपना सफर दोबारा शुरू करें। समुद्र पार पाकिस्तानियों को मुल्क में आम इंतखाबात से मईशत में इस्तेहकाम की कवी उम्मीद है। पाकिस्तान टेलीविजन के जद्दा और मक्का में किए जाने वाले एक सर्वे में पाकिस्तानियों ने अवाम से पुरजोर अपील की है कि वो एक मुखलिस क़यादत को मुंतखिब करें ताकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम और मुल्की वकार में इजाफा हो। 2024 का जो इलेक्शन है इसमें ओवरसीज करदार इंतहाई अहम होगा। जी 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं हम सब जो है वो पुरउम्मीद हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए एक जो है बेहतर दिन साबित होगा। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं हम ये तौक़ात करते हैं कि माशी तौर पे जो है काफ़ी बेहतरी आएगी, काफ़ी इस्तेहकाम आएगा। हमारा मुल्क जो माशी बहरान से गुजर रहा है उसका आखिरी हल यही है कि हमारी एक नई हुकूमत आए और उसको अच्छे तरीके से हमारे मुल्क के हालात को चला सकें। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले इलेक्शन पाकिस्तान की तरक्की में एक अहम किरदार अदा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा सरदार अख्तर बेंगल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कागजात नामजदगी की मंजूरी से मुतल्लिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। सरदार अख्तर बेंगल ने कौमी असम्बली के हल्का 264 क्वेटा के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला मुस्तरद करते हुए सरदार अख्तर मेंगल की कागजात नामजदगी मंजूर किए थे। हाईकोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के लिए बड़ा बेंच तश्कील देने का मामला जजेस की 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने वाजे किया कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को गैर आईनी करार देने के अदालती फैसले पर आइंदा समाअत तक हुक्म इम्तनाई बरकरार रहेगा। समाअत के आगाज पर दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा के एतराज पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। इंट्रा कोर्ट अपील की आइंदा समाअत आम इंतखाबात के बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की है कि अदालत और अदालती फैसले पर तनकीद की बुनियाद पर किसी सहाफी के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए, ताहम गालम गलोच एक अलग बात है। चीफ जस्टिस काजी फैजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक फैसले की बुनियाद पर अदालत की तस्दीक और तनकीद पर सहाफियों को जारी होने वाले नोटिस के खिलाफ मामले की समाअत की। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि महज तनकीद की बुनियाद पर FIA की जानिब से सहाफियों को जारी होने वाले नोटिस वापस लिए जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज़ादी सहाफत आइन का हिस्सा है, गलती होने की सूरत में तनकीद होनी चाहिए ताकि इस्लाह हो सके। बेंच के रुकन जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि आइन के आर्टिकल 19 का ख्याल करने वाले आर्टिकल 14 भी मुलाहिजा करें। दूसरों को गालियाँ देना बहुत से लोगों का जरिया मुआश बन गया है। मामले की समाअत कल फिर होगी। निगरान विफाक की वज़ीर इत्तला'आत मुर्तज़ा सोलंगी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर हरासा करने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, अगर किसी ने कानून के खिलाफ वर्जी की है तो इसे कानून का सामना करना चाहिए। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तला'आत ने कहा कि अदलिया के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाई गई जिस पर 32 सहाफियों, यूट्यूबर्स और 22 सियासी अफराद को नोटिस जारी किए गए हैं जो अभी तक बरकरार है। मुर्तज़ा सोलंगी ने कहा कि कानूनी तौर पर FIA को नोटिस देने का इख्तियार है, कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है। नोटिस देना हिरासा करने में शुमार नहीं होता।
उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 19 के तहत तनकीद को तहफ्फुज़ हासिल है, ताहम तनकीद के नाम पर तजलील और तजहीक करना उसके दायरे में नहीं आता। मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी पर पीटीए किसी भी वेबसाइट को बंद कर सकता है। नाज़रीन, गज़ा और मकबूज़ा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिहोनी फ़ज़ाई अफवाज गज़ा के मरकज़ी शहर खान यूनस पर मुसलसल बमबारी कर रही है, जिसकी वजह से इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। जगह जगह इसराइली टैंक्स नज़र आ रहे हैं, जबकि धमाकों और गोलियों की आवाज़ें भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। गज़ा की अब तक की सबसे ज़्यादा खूनरेज जंग चौथे महीने में दाखिल हो चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 215 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, जिसके बाद इलाके में शहदा की मजमूई तादाद 26,637 हो चुकी है। सिहोनी हमलों में अब तक 65,387 फलस्तीनी शहरी जख्मी भी हो चुके हैं। दूसरी जानिब फलस्तीनी हिलाल अहमर का कहना है कि फलस्तीनियों की बड़ी तादाद अल अमर हस्पताल में पनाह लिए हुए है। एक खातून की मैयत को हस्पताल में मुंतकिल करते हुए इसराइली फौज ने हमला किया, जिसमें 3 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। गजा समेत फलस्तीन में 7 अक्टूबर से जारी सिहोनी दहशतगर्दी में 26,422 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली फोर्सेज ने मकबूजा मगरबी किनारे में भी जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। छापामार कार्रवाइयों के दौरान पकड़ धकड़ के साथ हलाकतों और तबाही का सिलसिला भी जारी है। काबिज़ फोर्सेज ने मुख्तलिफ देहातों में हमलों के दौरान 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। सफाक फौजियों ने जनीन के मगरब में एक शख्स को गोली मारकर शहीद किया। फलस्तीनी न्यूज़ एजेंसी वफा के मुताबिक सिहोनी फोर्सेज ने अलखलील के इलाकों में 18 और 30 दो नौजवानों को शहीद कर दिया। छापामार कार्रवाइयों में 30 से ज़्यादा शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त 8,000 से ज़्यादा फलस्तीनी इसराइल की कैद में है, जिनमें 2,200 शहरियों को बगैर किसी जुर्म के हिरासत में लिया गया है। उधर अक़वामे मुत्तहिदा ने कहा कि गजा की 20 लाख से ज़्यादा आबादी इमदादी एमरजेंसी अनरवा पर इन्हिसार कर रही है। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने कहा है हुकूमतों से अपील की है कि फंडिंग दोबारा शुरू की जाए ताकि इमदादी कार्रवाइयों का तसलसल जारी रखा जा सके। उन्होंने खबरदार किया कि अगर फंडिंग दोबारा शुरू नहीं की जाती तो फरवरी के बाद गजा समेत पूरे खत्े में खिदमात और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी नहीं रख सकेंगे। इसराइल ने गजा में गैर कानूनी बस्तियों को तोसी देने के लिए एक बार फिर घिनौने मनसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए मनसूबा पेश किया है। इसराइल गजा की पट्टी में 21 गैर कानूनी बस्तियों का मनसूबा रखता है, जिसे एक कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया। इस्लामी तआवुन तंजीम के रुकन ममालिक के मोहतसब इदारे 10वें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास के लिए पाकिस्तान पहुँच गए हैं। वाईसी मोहतसब एसोसिएशन के सदर सिर्फ मालकोफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एसोसिएशन की जानिब से मुस्लिम ममालिक में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का इज्तमाही तौर पर मुकाबला करने के अज़्म का इजहार किया। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और वफाकी टैक्स मोहतसब डॉक्टर आसिफ महमूद जाह ने फलस्तीन के खिलाफ इसराइल के मजालिम की मजम्मत करते हुए फोरम के किरदार पर जोर दिया। तंजीम के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी अलमास जुवेंदा ने कहा कि इजलास का मकसद रुकन ममालिक की इस्तदाद कार को बढ़ाना है। तुर्की, बहरीन, मराकश, अज़रबैजान, इंडोनेशिया और बल्गारिया समेत OIC ममालिक के नुमाइंदों ने एसोसिएशन के रुकन मुल्कों में तआवुन के फरोग, इल्म के तबादले और इंसानी हकूक के कवानीन के निफाज में रुकन ममालिक को दरपेश चैलेंजेस से इज्तमाई तौर पर निमटने की जरूरत पर जोर दिया। निगरान वज़ीर तिजारत और दाखिला डॉक्टर गौहर एजाज से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में इलाके की तरक्याती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर गौहर एजाज ने कहा कि निगरान हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान से मादनियात की बरामदात के इजाफे के लिए कोशिशें हैं। इलाके में मकामी अशिया की मार्केटिंग के लिए तजारती मराकज़ कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने कहा कि इलाके में फलों और मादनी वसाइल बिलखसूस कीमती पत्थरों की बरामदात के वसी मौके मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला डॉक्टर गौहर एजाज से DGA FIA अहमद इसहाक जहांगीर और DG NECTA मोहम्मद ताहिर राय ने इस्लामाबाद में अलग अलग मुलाकात की। मुलाकात के दौरान FIA और NECTA के मामलात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर दाखिला डॉक्टर गौहर एजाज ने 120 साल पुराने गोलड़ा पुलिस स्टेशन की तामीर नौ का संग बुनियाद रखते हुए कहा है कि एक माह के मुख्तसर वक्त में 13 पुलिस स्टेशन की तज़ीन और आराइश की जाएगी। वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग में बताया गया कि यह पुलिस स्टेशन 1903 में कायम हुआ। वज़ीर दाखिला ने हिदायत की कि नई इमारत को इसकी तारीखी अहमियत देखते हुए तामीर किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पोजिशन में हैं कि हम आज शाम से अपने 13 थानों का काम शुरू कर सकें
हमारा टारगेट होगा कि हमने 25 फरवरी से पहले इनको मुकम्मल करना है। 13 के 13 थानों में हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है। हमारा इंटरफेस ऐसा होना चाहिए जैसे हम हैं, कि जो आपका पुलिस स्टेशन है वो आपका चेहरा है। तो मेरी नीयत यह है कि जैसे मेरी पुलिस है, जैसे मुझे आईजी साहब मिले, जैसे आप साहब मिले, वैसे ही हम नज़र आए लोगों को, और हमारे अमल भी जो है वो हमारी नीयत के साथ हों कि हमने अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़, हमने अपने लोगों को सिक्योरिटी, हमने अपने लोगों को वो फैसिलिटेशन देनी है जो वो डिज़र्व करते हैं। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तला'आत मुर्तज़ा सोलंकी ने चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग से मुलाकात की। वज़ीर इत्तला'आत ने उनके बड़े भाई जफर बेग के इंतकाल पर ताज़ियत की और मरहूम की साले सवाब के लिए फातिहा खानी की। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि मरहूम की वफात सोगवार खानदान के लिए एक बड़ा सदमा और नाकाबले तलाफी नुकसान है। तालीम और पेशा वाराना तरबियत के निगरान वफाकी वज़ीर मदद अली सिंधी ने इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज का दौरा किया। वफाकी वज़ीर ने कॉलेज के मुख्तलिफ ब्लॉक्स और शोबों का मुआयना किया और दस्तयाब सहूलतों का जायजा लिया। इस मौके पर वज़ीर तालीम को कॉलेज में जारी तरक्याती काम के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मुआसरात के वफाकी वज़ीर डॉक्टर उमर सैफ ने कहा है कि पाकिस्तान टेलीकॉम और आई टी के शोबे में तरक्की कर रहा है। इस्लामाबाद में करियर न्यूट्रल पाकिस्तान इंटरनेट एक्सचेंज और डेटा सेंटर के कयाम की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि इंटरनेट राब्ते को मुस्तहकम करने से मुहासिल में इजाफा होगा। तफसील बता रही हैं सदफ अफसल। पाकिस्तान में पहले करियर न्यूट्रल पाकिस्तान इंटरनेट एक्सचेंज और डेटा सेंटर के कयाम की तकरीब से खिताब करते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वफाकी वजीर डॉक्टर उमर सैफ ने कहा कि चीन, रूस और वस्त एशियाई ममालिक पाकिस्तान के महले वकू से फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने चीन के साथ एक माहिदा किया है कि वो पाकिस्तान के जरिए अपने इंटरनेट ट्रैफिक को राउट करना शुरू करे। पाकिस्तान खित्ते के लिए राब्ते की डिजिटल राहदारी बन सकता है। Geostrategic location or a digital corridor as we call it was lack of connectivity understanding or a business deal that had to happen between SCO PTCL and China Telecom and Peace Cable. Okay, so this was a four-way dance that all had to come together for this dream to become a reality, for Pakistan to be able to finally become a digital transit traffic route for the region. इत्तेसालात ने अपना पहला करियर न्यूट्रल डाटा सेंटर कायम कर दिया है। इस नए डाटा सेंटर के ऑपरेशंस को चलाने के लिए PTCL मुतालिका इदारों के साथ मिलकर काम करेगा। तकरीब से खिताब में मुकर्ररीन ने इसकी अहमियत पर जोर देते हुए इसके मुख्तलिफ फवाइद पर रोशनी डाली और कहा कि पाकिस्तान के इंटरनेट सारिफीन अब मकामी तौर पर सर्विसेज तक रसाई हासिल कर सकते हैं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। निगरान वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर उमर सैफ ने कहा है कि हुकूमत मकामी सतह पर तैयार करदा स्मार्टफोन्स की बरामदात बढ़ाने के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। इस्लामाबाद में पहले मोबाइल फोन्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि आइंदा 2 बरस में 50 करोड़ डॉलर और अगले 5 बरसों में 5 अरब डॉलर की बरामदात का हदफ है। उन्होंने कहा कि भारत सालाना 10 अरब डॉलर के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करता है। उन्होंने कहा कि अब तक 35 कंपनीज को लाइसेंस जारी हो चुके हैं जो मुख्तलिफ ब्रांड्स के स्मार्टफोन असम्बल कर रही हैं। कॉन्फ्रेंस में आईटी और मोबाइल फोन इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए पॉलिसी रेट 22% पर बरकरार रखने का ऐलान किया है। स्टेट बैंक कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट्स की रोशनी में आइंदा 2 माह के लिए पॉलिसी रेट को 22% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि रवा माली साल के दौरान 6.5 अरब डॉलर के कर्जे अदा किए गए हैं और मजीद 5 अरब डॉलर की अदायगी के लिए इकदाम कर लिए गए हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि रिपोर्ट्स के मुताबिक कारोबारी एतमाद में इजाफा हुआ है जिसकी झलक माशी सरगर्मियों में मिलती है। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि ज़राअत और सनअती सरगर्मियों में इजाफे से मुल्की मईशत को भरपूर मदद मिलेगी। यूरोपीय यूनियन सैलाब से मुतासर इलाकों की बहाली के लिए पाकिस्तान को 10 करोड़ यूरो की मजीद इमदाद फराहम करेगा। इस हवाले से इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन की सफीर रीना क्वेंका और वजारत इक्तिसादी उमूर के सेक्रेटरी डॉक्टर काजिम नियाज ने 5 माहों पर दस्तखत किए। यूरोपीय यूनियन की जानिब से मजीद 10 करोड़ यूरो के बाद सैलाब मुतासरीन के लिए मजमूई तौर पर 93 करोड़ यूरो से ज्यादा का सपोर्ट पैकेज वसूल हो जाएगा। इमदादी रकम से सैलाब से मुतासर खैबर पख्तूनख्वा में दही मईशत और बलूचिस्तान में लाइव स्टॉक की बहाली को यकीनी बनाया जाएगा। यूरोपीय यूनियन की सफीर डॉक्टर रीना क्वेंका ने कहा कि इक्तिसादी बहरान और सैलाब मुतासरीन की बहाली में पाकिस्तान तनहा नहीं है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है।
दुबई में 4000 अरब हेल्थ नुमाइश जारी है जिसमें 40 पाकिस्तानी नुमाइश कुनंदगान शिरकत कर रहे हैं। कौंसल जनरल हुसैन मोहम्मद ने कहा है कि नुमाइश पाकिस्तानी फर्म्स को अपनी बरामदात को मुतनव्वे बनाने, नई मंडियों और दुनिया भर के सनतकारों के साथ नेटवर्क तलाश करने के मौके फराहम करेगी। पाकिस्तान पवेलियन के दौरे के मौके पर उनका कहना था कि अरब हेल्थ केयर में 150 से ज्यादा ममालिक के 3000 से ज्यादा सरमायाकार, पेशावर और माहिरीन तालीम नुमाइश कुनंदगान शामिल हैं। 51वां कॉमन तरबियती प्रोग्राम के जरिए तमाम तरबियत अफसरान की वजारत इत्तला नशरियात का दौरा किया। एडिशनल सेक्रेटरी और MDPTV सैयद मुबशर तौकीर शाह ने इजलास की सदारत की। इजलास में कॉमन तरबियती प्रोग्राम के जरिए तरबियत अफसरान को DGIP और औरंगजेब हरन और जॉइंट सेक्रेटरी शफकत अब्बास ने वजारत के काम के बारे में जामे ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान और बहरीन की अफवाज के दरमियान अलबदर हश्तम जंगी मशक की फजाही तकरीब कौमी इंसदार दहशतगर्दी मरकज पबी में हुई। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते तक जारी रहने वाली इन मुश्तरका मशकों में पाक फौज और बहरीन नेशनल गार्ड के दस्ते शरीक हैं। अलबदर जंगी मशक दोनों बरदर मुल्कों के दरमियान हर साल मुनक्किद होती है। तकरीब के मेहमान खसूसी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ट्रेनिंग थे। अलबदर जंगी मशक का मकसद दोनों बरदर मुल्कों के दरमियान तारीखी अस्करी ताल्लुकात का फरोग है। जंगी मशक में शरीक फौजी दस्ते एक दूसरे की महारत और तजुर्बात से इस्तेफादा करेंगे। TTP के दहशत गर्दों के खानदान कस्मा पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। खवातीन और कम सन बच्चे सख्त मुशक्कत करके घर का खर्च बमुश्किल पूरा कर रहे हैं। मुतासरा खानदानों का कहना है कि हमारे बच्चे यतीमों की तरह जी रहे हैं, हमारे पास इलाज के पैसे तक नहीं हैं, हमारी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। अफगानिस्तान की जिहाद पनामा बोतल रखने लगी हो तालिबान उमंग लजन खराब हो और शेरा खराब हो गई गर्दी तालिबान पर द्रोह बोलते झगड़ पाकिस्तान से राश पाकिस्तान से झगड़े मगरू बोलते रहे था बस बस ढेर जालिमान खरीद दीदा तालिबान वाला फुल फूर हो रोड में गया बूट ले गया कोरम पर कर्ज को बस उस पर कर्जो में गिरा पैसे पर सख्त मंगा गई अफगानिस्तान के तालिबानो सारा पिंजा का स्कूल दाहिला पिछते और 200 रुपये का मर्दान पाकिस्तान पर खिलाफ ही कड़े रहे पाकिस्तान खिलाफ बने जंगे जंगी प्लारम बीमार दे मरीज दे लाश पैसे मंग सर नष्टा और लक्ष्य रुपए पैदा हो तालिबान लगी और को टेरोर में दे आगम माश अगर पानिश कर 200-250 रुपए गटू आगम मोर तोड़ और स्कूल पिसम निष्ठा। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय पुलिस ने बारामूला कस्बे में दो नौजवानों को काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। KMS के मुताबिक पुलिस ने गिरफ्तार किए गए नौजवानों पर कश्मीरियों की जदोजहद की हिमायत का इल्ज़ाम लगाया है। उन्हें जम्मू की कोट भरवाल जेल में कैद किया गया है। भारतीय पुलिस ने जिला बडगाम के इलाके मागाम में एक कश्मीरी नौजवान रमजान मीर का रिहायशी मकान जब्त कर लिया। कश्मीरी नौजवान का मकान गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के काले कानून के तहत जब्त किया गया है। उधर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने भारत की तरफ से खुद साख्ता मर्दमशुमारी को मुस्तरद करते हुए इसे कश्मीरियों के जाती मामलों में बेजा मुदाखलत करार दिया।
हुर्रियत रहनुमा गुलाम मोहम्मद खान सोपोरी, सैयद बशीर इंदराबी, मोहम्मद यासीन अताई, मोहम्मद यूसुफ नकाश ने श्रीनगर में जारी अपने अलग अलग बयानात में मर्दमशुमारी को बैन अलाक़वामी कवानीन की सरियन खिलाफ वर्जी करार दिया है। उन्होंने गिरफ्तारियों, जाली मुकाबलों और इमलाक की जब्ती समेत जारी मजालिम के बावजूद भारत से मुकम्मल आजादी तक अपनी जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का अदा किया। गैर कानूनी तौर पर नजरबंद हुर्रियत रहनुमा बिलाल सिद्दीकी ने श्रीनगर सेंट्रल जेल से जारी एक पैगाम में तनाज़े कश्मीर को मुज़ाकराती अमल के जरिए हल करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने मकबूजा इलाके में गैर कश्मीरियों को आबाद करके जम्मू कश्मीर में आबादी के तनासुब को बिगाड़ने की मोदी हुकूमत की कोशिशों की मजम्मत की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की खबरों में खुश आमदीद। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में भी तवील खुश्क साली के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी हुई। बल्तिस्तान, दयामिर, गिजर, अस्तूर, हुंजा और नगर समेत मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी से इलाके में मौसम सर्द हो गया है। बर्फबारी के बायस इस्लामाबाद और स्कर्दू के माबैन परवाज भी मनसूख हो गई। अस्तूर में कल शाम से वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जिला अस्तूर में भी रवा साल मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात भी बर्फबारी जारी रहेगी। सवात, कालाम, महू, डंड, मालम जब्बा, गबीन जब्बा समेत दीगर बालाई इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है, जिसके बाद सियाहती मकामात पर सयाहों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। अपर सवात डेवलपमेंट अथॉरिटी और मकामी इंतजामिया सयाहों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। गलियात के सियाहती मकामात नथिया गली और डूंगा गली समेत दीगर बालाई इलाकों में बर्फबारी ने कारोबारी जिंदगी मफलूज कर दिया। रात 2 बजे शुरू होने वाली बर्फबारी ताहाल वक्फे से जारी है। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी का अमला हैवी मशीनरी से राबिता सड़कें खोलने में मसरूफ अमल है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और बालाई अजला में मतला अब्र आलूद रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ते पोठवार, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब और बालाई सिंध के बाद मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियानी धुंध छाई रहेगी। नाज़रीन, आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्ज हरारत की तफसील की बात करेंगे, जो कि कुछ यूं रही। कालाम में कम से कम दर्ज हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मालम जब्बा में -4, गोपस में भी -4, अस्तोर और हुंजा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्ज हरारत की तफसील कुछ ऐसे रही। सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद में कम से कम दर्ज हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में भी 8, कराची 13, पिशावर 9, जबकि कोयटा में 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, खेलों की खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सिंध प्रीमियर लीग में मीरपुर खास टाइगर्स ने सखर पेट्रियट्स को 74 रन से हरा दिया। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स स्टेशन पर बराह रास्त दिखाया गया। कराची में खेले गए मैच में मीरपुर खास टाइगर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 208 रन बनाए। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया।